नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। पूरी दुनिया के नक्शे पर कोरोना वायरस का खौफनाक साया छाया हुआ है और ठीक उसी समय हमें दिखाई देता है कि अलग अलग मुल्कों में अलग अलग ढंग से नफरत के वायरस, कहीं नस्लवाद का वायरस, कहीं सांप्रदायिकता का वायरस घेरे हुए है, उभर रहा है। और इसके बरक्स, इसके विरोध में लड़ती भिड़ती जनता उठ खड़ी हो रही है, आवाज़ उठा रही है। ऐसे में अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर्स, आई कांट ब्रीथ, नस्लवाद के खिलाफ बहुत मजबूत जो आंदोलन है जिसमें बहुत बड़ा समाज शामिल है, सिर्फ ब्लैक ही नहीं, तमाम अलग अलग नस्लों के लोग वहाँ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ। और इसकी गूंज कहीं ना कहीं हमें अपने मुल्क में भी दिखाई देती है, जहाँ दलित लाइफ मैटर्स एक लंबा पुराना नारा रहा है जो दोबारा जिंदा हो रहा है। एक तरफ तो हमें दिखाई देता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मेहनत कश लोग हैं, वंचित समुदाय हैं, दबाया हुआ समाज है, वह उठ खड़ा होता है, तो दूसरी तरफ से उसके समर्थन में आवाज़ें आती हैं। ठीक उसी समय हमें यह भी दिखाई देता है कि जो रूलर्स हैं, जो शासक है, जो सत्ता प्रतिष्ठान है, वह भी कमोबेश एक ढंग से एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे को बचाने के लिए खड़े होते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमरीकी राष्ट्रपति के बहुत दोस्त हैं। कोरोना संकट के समय उन्होंने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप तक का आयोजन कराया था, जिसकी वजह से इस राज्य का क्या हाल है इस पर हम इस समय चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिस समय अमेरिका में ट्रंप बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उस समय भी बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ एक सहयोगी रवैया अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह का सलूक पुलिस उन लोगों से कर रही है जो लोग अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा है इसके समर्थन में आए। इसका ताज़ा उदाहरण बेंगलोर से देखने को मिला। वहाँ पर आकार पटेल, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में वो वीडियो है, वहाँ का जो प्रोटेस्ट है उसका बारे में वीडियो है, और उसमें चंद लाइनें उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा, जिस तरह से वहाँ पर ब्लैक्स और बाकी जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और बाकी जो मार्जिनलाइज सेक्टर है लोग हैं यहाँ के, उन्हें आगे आना चाहिए और उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और बस इस ट्वीट पर आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से बेंगलोर में खुद पुलिस ने आगे बढ़कर उनके खिलाफ FIR किया, और FIR में बहुत गंभीर धाराएं लगाई हैं। इस FIR के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि आकार पटेल देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अमेरिका के रास्ते पे जाओ, मानो अमेरिका का रास्ता कोई दूसरा रास्ता है। आइए चलते हैं अमेरिका की ओर। वहाँ हमने बात की कुछ लोगों से जो सीधे सीधे इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने बात की सबसे पहले सूरज येंगड़े से, जो भारत के रहने वाले हैं, दलित मुद्दों पर बहुत प्रखर लेखक हैं। हाल ही में उनकी किताब कास्ट मैटर्स आई और वे इस समय बॉस्टन में हैं, वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि यह आंदोलन एक दूसरे ढंग की कड़ी पेश कर रहा है, जहाँ जो अलग अलग आवाज़ें हैं, जो दलित आवाज़ें भी अमेरिका में हैं, जो अम्बेडकराइट्स हैं, वे सब इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और इससे यह आंदोलन बहुत व्यापक और दूरगामी असर वाला हो रहा है। आइए सुनते हैं सूरज क्या कह रहे हैं। सूरज, आपका न्यूज क्लिक में तहे दिल से स्वागत है। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप देख रहे हैं जो इस समय अमेरिका की सड़कों पर आंदोलन चल रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? भाषा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अमेरिका में जो भी विरोध हो रहा है, इसके लिए मैं कुछ स्कॉलर से बात कर रहा था। वो 1968 से जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जब खून हुआ था, फिर उसके दो महीने बाद
रॉबर्ट केनेडी जो जेफ केनेडी के भाई थे और जो कैलिफोर्निया में प्रेसिडेंशियल रेस जीते थे उनका भी कत्लेआम हुआ था। तो उसके बाद मतलब वो 68 का जो साल था काफी रॉकी था, काफी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और उसके ऊपर जो है लोग भी रास्ते पर आए, पर उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था वो भी इसी तरह था। तो अब की परिस्थिति में भी उसी तरह लोग कंपेयर कर रहे हैं। एक स्कॉलर ने मुझे कहा कि 50 सालों में ऐसा प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं देखा और ये स्कॉलर खुद रेस के स्कॉलर है हार्वर्ड में। तो मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ कि ये ऐतिहासिक है ये आज अभी का मोमेंट, और विशेषतः हम आज की जो परिस्थिति देखते हैं ये ट्रंप की प्रेसिडेंशियल जो रेस अभी सेकेंड टर्म की हो रही है उनमें और जो बाइडेन में, उसके साथ साथ जो पैंडेमिक से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है और पैंडेमिक के बाद या उसके पहले भी जो अमेरिकन जो जॉब ग्रोथ था वो काफी डिप्रेसिंग था। तो उसको सबको मिलाकर मुझे लगता है कि ये जो यहाँ का जो प्रोटेस्ट है ये एक नई दिशा देगा मेरे हिसाब से आने वाले एटलीस्ट 20 या 30 साल तक, क्योंकि जो लीडरशिप में भी जो डाइवर्सिटी की कमियां है या जो अफ्रीकन अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम है हर ऑलमोस्ट फील्ड में, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हो रही है। बिकॉज एक जमाने में जो अफर्मेटिव एक्शन देके बस बंद कर दिया था, बट अभी जो है कि दे आर आस्किंग मोर एंड मोर इक्वल, क्योंकि जस्टिस वाली बात है। तो वो सब मिलाकर जो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के ग्रुप, अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी, और ये जो है स्ट्रगल ये मल्टी रेशियल है और मल्टी एथनिक भी है। मतलब कोई अश्वेतों के साथ श्वेत भी है और मल्टी फेथ है और पुलिस वाले भी कहीं कहीं। मैं वही जानना चाह रही थी कि इसमें जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो दृश्य ये दिखाई दे रहा है कि समाज का एक बड़ा व्यापक हिस्सा इस आंदोलन, इस सवाल के पक्ष में आया, और जिस तरह के जो नारे आए हैं आई कांट ब्रीथ, स्टॉप किलिंग अस, तो ये सारे जो है दिखाता है कि समाज में बहुत दिनों से हो सकता है कि बहुत परेशानी बेचैनी रही हो जो कि अचानक एक इंसिडेंट से फूटी और वो अब थम नहीं रही है। लोग नाच रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं, व्हाइट हाउस को घेर लिया है। तो ये सब दृश्य तो हमने, इस तरह के नजारे तो हमने देखे नहीं पिछले 10-15 सालों में। आप देखिए कि सूरज ने जो चीज हमें बताई और जिस तरह का एक समर्थन में लेटर जारी हुआ है, इस लेटर को जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़ना और पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। शायद इस तरह से सॉलिडेरिटी में पहली बार अमेरिका में जो दलित डायस्पोरा है, जो दलित संगठन है अलग अलग, वे पहली बार आए हैं। उन्होंने जय भीम का नारा लगाते हुए, जय भीम का उद्घोष करते हुए ये कहा कि खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उसके बहुत बड़े समर्थक थे और वे चाहते थे कि इस तरह का जो उत्पीड़न है उसका खात्मा हो। तो यहाँ यह डोर हमें दिखाई दे रही है कि भारत से जो दलित लाइफ मैटर्स की आवाज उठती है वह अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स के साथ में कैसे खड़ी होती है। और इसी क्रम में जो नागपुर में एक जो दलित एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो अपने घर के सामने अपने बच्चों के साथ प्रोटेस्ट किया, उसे देखा भी जाना जरूरी है। अभी जो ब्लैक लाइफ मैटर्स एक हैशटैग चल रहा है इस पूरे आंदोलन में, पुराना स्लोगन है, और भारत में दलित लाइफ मैटर्स को लेकर एसर्शन है। कई हमने छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को देखा जो खड़े हैं पोस्टर लेकर। ये आप कैसे देखते हैं, ये कनेक्ट कैसे देखते हैं? देखिए भाषा, इसका हमको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो मजलूम है, मजलूम जो दुनिया भर का है, उसको एक दूसरे का दुख समझ में आता है। तो फिर वो अफ्रीकन अमेरिकन रहो या नेटिव अमेरिकन रहो या फिर इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलिया के लोग रहो, जो दमन के शिकार हुए हैं। एक व्यक्ति जो खुद के ऊपर दमन होता है, वो जब उसको देखता है तो उसको भी लगता है कि यार ये जो दमन है ये गलत हो रहा है। तो अपने अपने तरीके से फिर लोग उसका विरोध करते हैं। और ये दलित जो समाज है, दलित समाज के कुछ लोग हैं जो इसके लिए स्पेशली सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि काफी अग्रेसर रहे, अपने विचार रखे, और उसके साथ में उन्होंने ये भी बयान किया कि हम जॉर्ज फ्लॉयड की जस्टिस के लिए आंदोलन लड़ेंगे। इस आंदोलन में अलग अलग आवाजें हैं,
बहुत तरह की आवाजें हैं, बहुत तरह के लोग हैं, और यही इस आंदोलन की खूबसूरती है। बड़े पैमाने पे नौजवानों ने कमान अपने हाथ में ली हुई है, जहां पॉलिटिकल क्लास पूरी तरह से गायब है। इसी क्रम में हमने बात की नीनो ब्राउन से, जो बॉस्टन में रहते हैं, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये आंदोलन सिर्फ एक घटना पर आधारित नहीं है, सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के वजह से नहीं फूटा यह गुस्सा। हर साल अमेरिका में 1,000 से अधिक काले लोगों का के ऊपर केस होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, और मेजॉरिटी हत्याएं पुलिस के हाथ होती हैं। पुलिस का जो उत्पीड़न है वह किस तरह से व्यापक है। यहाँ एक और बहुत अहम बात जो सामने आती है वह यह है कि हमारे और आपके पास इस तरह के तमाम वीडियो आए जिसमें हमें दिखाई दिया कि किस तरह से अमरीकी पुलिस इन प्रदर्शनकारियों के आगे झुक रही है, नतमस्तक हो रही है, इनके साथ मार्च कर रही है। वह एक हकीकत है, लेकिन वह पूरी हकीकत नहीं है, क्योंकि ऐसे वाक्य सामने आए हैं कि जैसे ही वे समर्थन में आए, जैसे ही मीडिया वहां से गया, उसके बाद वही पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस छोड़ती है, और इसके बारे में विस्तार से मिस्टर ब्राउन हमें बताते हैं। I think it's important to look at the contradictions of the society, where American society is at right now, and look at how, with every successive wave of struggle, people have become more and more enraged because of the lack of justice, right? In 2014, Michael Brown was murdered. He was an 18-year-old black man, and the police officer, Darren Wilson, was never charged and is a free man, right? In 2015, the murderers of Freddie Gray, you know, all black police officers in a black city, you know, slaps on the wrist, you know, no real charges. And that's just within the last decade, right? So we know that every single year the police have killed at least 1,000 people. This year it's been 1,000 people. At least. If you go to the website copcrisis.com, you can find data and information, which is all collected by activists and not the federal government, because the federal government doesn't track the people who it kills. It just kills us, right? Our lives don't matter to them. So we have, on the one hand, you know, obviously how this country was founded, off of enslaved African labor and native genocide and theft of land, right? But the lack of justice, right, in American history, I think, as you said, like a volcano, has been compounding, right? If we go back to the Civil War that was supposed to end slavery, right? Obviously, if we look around today, slavery is not ended, because we have prisoners putting out our fires in California. We have prisoners making PPE and prisoners making hand sanitizer in New York City, New York State. We have prisoners here in Boston shoveling our snow to get us out of snowstorms for pennies. That's slavery. So all these contradictions from the prison just have really torn asunder. And I think people, you know, can't take it anymore. Like they say, they can't breathe, right? We see this, obviously, you know, co-optation, or what we like to call copaganda, you know, where politicians and even the police themselves try to change their image in the eyes of the masses to, you know, take a knee, or, you know, maybe go to a funeral, you know, these kind of liberal niceties that actually don't strike to the issue. Because in Boston, a couple nights ago, when the police were taking a knee, you know, when the media was around, as soon as the media left, right, they started throwing tear gas. They started attacking protesters, right? So I think it's really important for us in the movement to not get distracted by what the politicians say and just look at what they do. How you see next few days the movement? How it's going to gear up? And because there is a demand for the justice, and there's a wide support also across the country, not like that only in the 2014 or 15. This time the momentum is very large and very huge. So what you are expecting? Direct question. What you are expecting? I mean, I think, you know, not to be entirely grim, too grim, but I mean, I'm expecting, I mean, more deaths, unfortunately, right? Because the police never let up, right? The police are still on the streets. The military guards are still on the streets. The National Guard has still not been removed from
so many dozens of communities all across this country. Donald Trump is now facing internal backlash from his own, you know, militiamen, claiming that they don't want to go into, they don't think it's an appropriate thing to unleash the army on the people. So I think in the next couple of months, or in the next couple of weeks, I mean, months are like years, and weeks are like months, and minutes are like, you know, days now. I think what we can expect is a lot of death, a lot of resistance. यह आंदोलन निश्चित तौर पे ऐतिहासिक है। इस आंदोलन की परिणति क्या होगी, किस तरफ यह आंदोलन जाएगा, इससे हासिल क्या होगा, यह तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, लेकिन वंचित समुदाय को बहुत ज़्यादा दबाना किसी भी सत्ता के लिए संभव नहीं है। और यहाँ पर दो बहुत अहम चीज़ें हमें समझनी और सीखनी चाहिए। पहला, जिस तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो बयान है, जो बहुत ऐतिहासिक उनका भाषण रहा है, जो इस समय बहुत सुना जा रहा है, उसे समझना, उसे सुनना ज़रूरी है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रायट है वो ऑप्रेस्ड की आवाज़ है, यानी जो हिंसा है, हिंसा वंचित समुदाय उस समय करता है जब उसे सुना नहीं जाता। उसे सुनना और उसके लिए जगह बनानी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कथन या दूसरा स्टेटमेंट जो बहुत ज़्यादा वायरल है इस समय, उसे भी आप सुनिए। इसमें जॉर्ज फ्लॉयड जिनकी हत्या हुई, जिसके बाद ये आंदोलन ज्वालामुखी की तरह पूरी जगह फैल गया, उनकी छोटी सी बेटी कहती है, डैडी चेंज द वर्ल्ड। और शायद यह इस समय का सबसे बड़ा सच है, किस तरह से एक व्यक्ति की हत्या पूरे देश को झकझोर देती है, अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करती है, इसकी बानगी इस समय अमेरिका में देखने को मिल रही है। चाहे वो ब्लैक लाइफ मैटर्स हो, या दलित लाइफ मैटर्स, या तमाम जो उपेक्षित समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी जिंदगियां, सबकी जिंदगियां ज़रूरी हैं, ऑल लाइफ मैटर्स। यह जो स्लोगन है मानवता को बचाने वाला, ख़ास तौर से उपेक्षित समुदाय का जो गुस्सा है, उसे समझना, उसके समर्थन में खड़ा होना इस समय वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपसे यही अपील के साथ कि सच को ज़िंदा रखने की जो हमारी कोशिश है, आप तक पहुँचाने की जो कोशिश है, वह आपके साथ, आपके समर्थन से जिंदा रहिए। देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए खोज खबर न्यूज क्लिक। शुक्रिया।